का कर रही हो? क्या कर रही हो? कलर कर रही हूँ। और भाई क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं भाई। मायरा क्या बुक पे कलर कर रही है? आज मायरा दिखाएगी मायरा को कैसे पढ़ना था। मायरा ये क्या लिखा है? ए फॉर क्या? नमाज। तो मुझसे कह रही नमाज पढ़ो चुपचाप। जाऊँ नमाज पढ़ने? कहाँ पे नमाज पढ़ेंगी आप? और अम्मा दिखा दूँ आपकी राइटिंग? बेहोश हो जाएगी पब्लिक। आपकी राइटिंग दिखा दूँ? दिखाओ। बी फॉर ये सब पता है किसने बनाया? मायरा। अच्छा बता दो के फॉर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज है मायरा का बर्थडे, तो बस मैं उसके लिए गिफ्ट लेने आई हूँ। अफनान ने बोला था मुझे उसको गिफ्ट देना है, तो अफनान की तरफ से हम उसके लिए गिफ्ट लेने आए हैं। उसके बाद हम आ गए एक शॉप पर। यहाँ हमने ली अपने हस्बैंड के लिए एक दो टी शर्ट्स, और यहाँ बच्चे बस अभी पढ़ाई कर उठे हैं, और अफनान जब भी स्टडी करके उठते हैं तो कुछ भी अपना सामान समेटते नहीं है, बाद में मुझे ही सब कुछ ठीक से करके रखना होता है। और शाम में हम लोग तो कोई ऐसा ख़ास पार्टी वगैरह नहीं करने को थे, बट अम्मी की कॉल आई है कि बर्थडे पार्टी कर लो, मतलब डिनर वगैरह कुछ कर लो। तो फिर हम लोग बस डिनर के लिए ही तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ अफनान को मैंने रेडी कर दिया है, और यहाँ मैंने अपने लिए एक सूट निकाला है, ये अभी तक मैंने नहीं पहना था, और उसी की मैचिंग की मैंने यहाँ पर बैंगल्स वगैरह निकाली हैं। तो मायरा सब चेक कर रही हैं कि क्या निकाला है अम्मा ने, तो वो भी पहन पहन के चूड़ियाँ वगैरह देख रही हैं मेरी। ये देखिए कुछ भी मुझे नहीं करने देती हैं। और माशाल्लाह से यहाँ देखिए मायरा भी मेरी रेडी हो गई है। और मायरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह क्या कहूँ, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी वो इस ड्रेस में। और ये जो इन्होंने ड्रेस पहनी है ये भी इनकी गिफ्टेड ड्रेस है, इनको गिफ्ट में मिली हुई है, तो आज मैंने इनको यही पहना दी। और अफनान भी माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं, और हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, बस हम लोग निकल रहे हैं। और सिस्टर वगैरह तो रेस्टोरेंट पहुंच भी चुकी हैं, और यहाँ मैंने ये अपना सूट पहन लिया। सूट भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बस इसके बाद हम लोग निकल गए रेस्टोरेंट के लिए, और यहाँ हम लोग पहुंच गए हैं। ऊपर हमारी सिस्टर आ चुकी हैं, उसके बाद मैं आई थी, मैं गई हूँ, तो उनकी फ़ैमिली चाउमीन वगैरह खा रही थी, तो बच्चे तो मेरे चाउमीन की वैसे भी बहुत दीवाने रहते हैं, तो दोनों ने इन लोग ने भी खा ली। और पापा भी आ गए हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े लोग करके आते रहे। और ये आ गई आयरा। आयरा ने इतना क्यूटली विश किया था मायरा को, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। और ये आयरा भी गिफ्ट लाई थी मायरा के लिए, इतना प्यारा क्यूट सा गिफ्ट था। और यहाँ लगभग सब लोग आ चुके हैं, बस एक छोटी वाली सिस्टर बची थी, वो नहीं आ पाई हैं अभी तक, उनका वेट हो रहा है। उसके बाद केक कटेगा, तो यहाँ पर केक सेट हो रहा है, और मायरा इतनी शौक से देख रही हैं कि अब केक कटिंग होगी। बस बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड केक कटिंग के लिए ही होते हैं। और यहाँ पर ये देखिए इतनी गर्मी थी, इतनी भीड़ थी, इतना रश था कसम से रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा। और ये जो इसके डिज़ाइन था ये भी मेल्ट होने लगा था वेट करते करते, क्योंकि जो एक सिस्टर हैं उनके हस्बैंड थोड़ा लेट आ जाते हैं, वो अपने जब काम से फ्री होते हैं उसके बाद आते हैं। यहाँ मायरा का चल रहा था फ़ोटो शूट, और ये देखिए केक का बच्चों से सबर नहीं हो रहा, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, तो जिस बच्चे का जो मूड में आ रहा वो इसको डॉट लगा के चाट लेता है थोड़ा सारा फिंगर पे लगा के, कभी मायरा कभी आयरा। और फाइनली केक कटिंग की नौबत आ गई है। मायरा इतना ज़्यादा शर्मा रही थी, वैसे तो मायरा बहुत ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन थोड़े लोगों को देख के वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाती हैं, बहुत शर्मीली। ये देखिए बिल्कुल भी इतना खुश थी, लेकिन शर्म भी उनको इतनी आ रही थी कि वो टेढ़ी हुए जा रही थी शर्म से। और इतनी ज़्यादा बच्चे लाइन लगी हुई थी कि मुझे भी केक कटिंग करनी है, मुझे भी केक कटिंग करनी है। तो माशाल्लाह जितने भी बच्चे थे, भांजी भांजा थे, सब ने एक एक करके एक केक कटिंग करी। केक को तो ऐसी सज़ा मिलती है, जो आता है वो कट करता है, जो आता है वो कट करता है। उसके बाद ये आयरा का नंबर लगा, उसके बाद मुआज, फिर आहिल, फिर अफनान और फुजैल, और फिर सारे बच्चों ने एक एक करके केक को बेचारे को काट दिया। ये आए लेट लतीफ़, सबसे लेट। और मायरा तो
और जैसे आपने देखा फ्रेंड्स इतना ज़्यादा शोर है कि कोई भी बात एक दूसरे से कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही। बहुत सारी पार्टी वगैरह सेलिब्रेट हो रही थी क्योंकि इतनी गर्मी थी और इतने ज़्यादा भीड़ थी तो ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बन पाई खाने वगैरह की। खाना में क्या क्या था माशाल्लाह खाने में बहुत कुछ था और बहुत ज़्यादा यमी टेस्टी था। बच्चों ने बड़ों ने बहुत इंजॉय किया। बस मायरा नूडल्स और क्या कोल्ड ड्रिंक, बस मायरा को दो चीज़ें चाहिए होती हैं इसलिए छोटा सा व्लॉग बना। ये देखिए खाना होते ही कितना खाली खाली सा हो गया है, सब लोग चले गए बाहर। सुबह हो गई है, अफनान स्कूल चले गए हैं और कल ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया था तो इसलिए वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट हो पाई। बस जैसे तैसे थोड़ा बहुत वीडियो बन गया मेरा। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।